time. It's hunting season. As you can already see, I am more than chill in today's video. और मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसे बैठ के वीडियो बनाई है. एंड क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपना नेटफ्लिक्स का ज्ञान बांट रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी रिकमेंडेशन दे दूं अपनी तरफ से जो थोड़ी सी हटके होंगी. जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, हाय, दिस इज़ आशु और मैं बनाती हूँ व्लॉग्स और कभी कभार करती हूँ पोएट्री. आई होप अगर आपको मेरी बक बक पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर नहीं आ रही है तो देख के चले जाना. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिकमेंडेशंस. पहली रिकमेंडेशन ना, इट हैज़ टू बी द गुड प्लेस. यस, हैंड्स डाउन इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल क्रिएशन. हाँ, अगर आपको कोई इसका प्लॉट सुनाएगा ना तो वो सुनने में ज़रूर ऐसा लगेगा कि बहुत किताबी है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो ट्रायल भी देखोगे ना आप इसका यूट्यूब पे, तो वो भी जस्टिस नहीं करेगा उसके साथ कि जितना सही ये सीरीज़ है. 4 सीज़न आ चुके हैं इनके, मैंने 3 देखे हैं, 1 बाकी है. Give it a watch. Kristen Bell, Jackson Harper, Ted, Jameela Jamil, इन सब ने इतना बेहतरीन काम किया है ना कि इनके डायलॉग्स आपके दिमाग से निकलेंगे. सेकेंड वन फ्रॉम माई रिकमेंडेशन इज अ मूवी. मूवी का नाम है द वीक ऑफ. एंड भैया ये मूवी हिलेरियसली फनी मूवी है, और ये इतनी फनी है कि जैसे आप चॉकलेट को बचा बचा के खाते हो ना, ऐसे मैंने इस मूवी को 15-15 मिनट की किस्तों में देखा है. 15 मतलब लाइक एक हफ्ता लगा के, क्योंकि मतलब हंसी आएगी हर चीज़ पे. एडम सैंडलर है इस मूवी में, और उनका जो साइलेंट ह्यूमर होता है ना, वो इट इज़ बाउंड टू मेक यू लाफ. प्लीज़ इसको ज़रूर देखना. क्रिस रॉक भी है इसमें, और क्रिस रॉक की तो ना मुझे आवाज़ ही फनी लगती है. आपने मैडागास्कर मूवी देखी होगी ना, मैडागास्कर के जो जैबरा थे ना, मार्टी, वो क्रिस रॉक की आवाज़ थी. तो इसमें तो क्रिस रॉक साक्षात मिलेंगे आपको. थर्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड वो है ग्रेस एंड फ्रेंकी. मतलब हैंड्स डाउन सैल्यूट इन लोगों को जिन्होंने बनाया है. और ये सीरियल जब तक आप नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा कि इसको एमीज के लिए नॉमिनेट क्यों किया गया था. जो लीड करेक्टर्स हैं ना, वो काफ़ी ओल्ड एज करेक्टर्स हैं. जेन फोंडा जो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, एंड लिली टॉमलिन वो राइटर भी हैं, एंड शी इज सच एन अमेजिंग एक्टर. एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर सच अमेजिंग एक्टर्स कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई हॉट शॉट मूवी नहीं देख रहे, आप सीरियल देख रहे हो. दे आर सो गुड एट देयर क्राफ्ट. उनको एक्टिंग कर करके ना अब तो उनके रोम छिद्रों में बस चुकी है एक्टिंग. सो ह्यूमर इतना सटल है, मतलब क्या ही बोलूँ, बस जाके देख लेना. मैं सोने से पहले रोज उसका एक एपिसोड देख के सोती हूँ, लेकिन अब जब से 7 डे चालक चल रहा है तो देख नहीं पाती, लेकिन हाँ मैं आई लव वॉचिंग इट. द नेक्स्ट वन इज एक्चुअली अ मूवी, मूवी कॉल्ड द वर्ड्स. ये बहुत ही बारीकी से बनी हुई मूवी है, आपको देखनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको किसी ना किसी चीज़ का पैशन है लेकिन वो उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं. समझ रहे हैं आप, मतलब सपोज आई एम अ राइटर, बट मैं राइटिंग में अच्छी नहीं हूँ, बट मेरे अंदर दीवानापन है उस चीज़ का कि बस मेरे को तो अच्छा राइटर ही बनना है, मेरे को अच्छा क्रिकेटर ही बनना है. और लाइफ जो है ना आपको एक लिमिटेड टाइम देती है उस फील्ड में एक्सेल करने के लिए, उस फील्ड में अपना नाम कमाने के लिए. तो एक नॉर्मल यंग पर्सन की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, क्या क्या आप उनमें विलिंग हो सकते हो करने के लिए, तो वो सब है. आई डोंट वॉन्ट टू रूइन योर एक्सपीरियंस, तो देख लेना इसको, इट इज़ अ गुड वन. द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड जूली एंड जूलिया. ये जो मूवी है इसमें लीड में मेरिल स्ट्रीप हैं, और मेरिल जो है हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा ऑस्कर, एकेडमी, गोल्डन ग्लोब विनिंग एज वेल एज नॉमिनेटेड एक्टर हैं. ऑस्कर की जब स्पीच दी थी ना एलन डीजेनरेस ने इस साल, आई थिंक, पता नहीं लास्ट ईयर दी थी उन्होंने, तब भी उन्होंने मेरिल पे काफ़ी जोक्स किए थे. एक्चुअली हर साल मेरिल पे एक ना एक पर्सन उनके ऊपर 2-4 जोक मारता ही है, क्योंकि वो इतना नॉमिनेट होती हैं. जो इस मूवी में उनका एक्सेंट है ना, दैट्स नॉट हर रियल एक्सेंट, तो आप समझ सकते हैं कि अपने एक्सेंट्स की वजह से ही जानी जाती हैं वैसे ज़्यादा. तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने. और हम लोगों के लिए जो ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो मतलब
जो कोशिश करते हैं ना कि आउट ऑफ नथिंग हम कुछ क्रिएट करें, उनके लिए मूवी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो तो स्टोरी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक टॉपिक है जो ऑनलाइन उसके ऊपर घूमती है. तो आई थिंक पीपल विल बी इंस्पायर्ड. आप अगर कुछ भी ऐसी इच्छा रखते हैं ना अपने अंदर, यू विल फाइंड लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फाइव फ्लाइट्स अप. आई एम प्रिटी श्योर आपको अच्छी लगेगी. बहुत स्वीट सी लव स्टोरी है. दो ओल्ड एज कपल हैं. हाउ दे गो अराउंड, मतलब उनके घर के रिगार्डिंग है ये लव स्टोरी. एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस क्वारंटीन को ना मिशन बना लिया है कि उन्हें अपना पर्सपेक्टिव वाइड करना है, जिनमें से मैं एक हूँ. सो मैंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ और चीज़ें देखी हैं जिनका मेरे पुराने जो टेस्ट है ना सिनेमा के, सिनेमाटोग्राफी के, कंटेंट के, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है. सो फैंटम थ्रेड जो है उन्हीं में से एक है. इट्स अ मूवी, इट्स अ लव स्टोरी जो आई थिंक 60s 70s 80s के टाइम की है. बट एक बहुत एस्टैब्लिश्ड डिज़ाइनर की स्टोरी है, पर्सन की जो कपड़े डिज़ाइन करते हैं. एंड बॉय मूवी इतनी स्लो चलेगी ना कि बर्दाश्त नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है, 2.5-3 घंटे की मूवी है, तो ये काफ़ी अच्छे पर्सपेक्टिव देगी आपको कि जो प्यार है ना, प्यार में 2+2 हमेशा 4 नहीं होते. 2+2 2+2 ओके ठीक है. सो 2+2 इज नेवर 4 व्हेन यू आर इन लव. थोड़ा सा इसका जो कनेक्शन है वो सात खून माफ मूवी के साथ भी बना, बाद में आपको पता चल जाएगा अगर आप देखोगे. सो इफ यू हैव द नैक फॉर इट तो देख लेना यार. एंड बीगो जो है ना, जब से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मेरे साथ ही है. ओह सी दिस इज हाउ वी नॉक्स. हाँ बीगो बाहर जाना आपको. बीगो इज लाइक आई एम डन गिविंग यू कंपनी, नाउ यू आर ऑन योर ओन. एंड डिड आई टेल यू मम्मा ने ये मेरे लिए बनाया है पिल्लो. इस पर डिज़ाइन भी डाला है उन्होंने, अंदर भी इसके कुछ कुछ है. बट अभी मैंने इसको ना बटन्स नहीं लगवाए, बट आई लव यूजिंग इट. सो द फोर्थ रिकमेंडेशन इज यू. यू जो है ग्रेग है उसमें लीड करेक्टर में. एंड बॉय इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर. दिमाग की दही हो जाएगी आपकी इसको देखते हुए. एंड द प्रॉब्लम इज, चाहे लीड करेक्टर जो है ना वो कितनी भी शेडी फिशी थिंग्स कर रहा है, बट यू विल एंड अप फीलिंग सिंपथी. आपके दिल में फिर भी ना भावनाएं रहेंगी उस लीड करेक्टर के लिए. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सीरियल आई वुड से. इनका सेकेंड सीजन मैंने स्टार्ट किया था, मैं देख नहीं पाई, बट फर्स्ट ना किलर है, किलर. अब बात करते हैं लास्ट बट आई गेस लास्ट है, सेकंड लास्ट है, आई डोंट नो. मूवी का नाम है बिगिन अगेन. ओह माय माय, इसमें मिलेंगे आपको मार्क रफलो अलोंग विद कियारा नाइटली. आई थिंक यू ऑलरेडी नो, बॉयज ऑलरेडी आर अ फैन ऑफ कियारा नाइटली. एनीवेज मार्क रफलो मिलेंगे अपने अर्दी एक्सेंट एंड अपनी सेक्सी बियर्ड के साथ. इस मूवी में जो है एडम लेविन, जिन जो मरून 5 के लीड सिंगर हैं, आपको पता होगा लाइक शुगर, यस प्लीज इफ यू लाइक फॉलो म्यूजिक यू वुड नो. तो उनका भी इसमें ना एक्टिंग का डेब्यू हुआ था. मूवी काफ़ी पहले आई थी बट आई लव द मूवी टू बिट्स. और जितनी बार देखोगे उतनी बार कम है. इट्स अबाउट अ स्ट्रगलिंग सिंगर एंड प्रोड्यूसर, और कैसे वो एक डिफरेंट क्रिएट करने की स्टार्ट करते हैं, कैसे कुछ हो पाता है लाइफ में. इट्स वेरी गुड, जाके देख लो. इस मूवी से मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग भी मिला, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स, ऑल टाइम फेवरेट्स, कॉल्ड लॉस्ट स्टार्स, विच आई माइट एम्बैरस माई सेल्फ बाई सिंगिंग ऑल्सो. चलो मैं नहीं सुनाती, एनीवेज आप खुद ही देख लेना. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लायन. कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास इस मूवी के लिए. आप इसे देखोगे नहीं तब तक आप इसे पहचान नहीं पाओगे. व्हाट काइंड ऑफ अ मूवी, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग इज देयर, कितनी पेचीदा और कितनी अनरिलेटेड स्टोरीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं. मैं स्पॉयलर्स ज़्यादा नहीं दूंगी, जाके देख लो. और ये स्टोरी जो है दो लिटिल इंडियन बॉयज़ के बारे में है, टू लिटिल इंडियन बॉयज़ के बारे में है. सो चलो द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द एज ऑफ एडालाइन. एंड आई सिंपली इंक्लूडेड दिस मूवी बिकॉज इट्स माई फेवरेट. कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, बस मुझे पसंद है, जाके देख लेना. अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो भी ठीक है. मैं हमेशा
मतलब पूरी नहीं देखती मूवी को, जब मैं रीवॉच करती हूँ तो मैं अपने फेवरेट पार्ट्स देखती हूँ। ब्लेक लाइवली वैसे भी किसकी फेवरेट नहीं है, मेरी तो ज़रूर है। प्लस रायन रेनल्ड्स एंड ब्लेक लाइवली की जोड़ी है ना, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई वुड लाइक टू हैव विद माई फ्यूचर हस्बैंड, अगर कभी ये पॉसिबल हुआ तो। एनीवेज मूवी में जो है इनके ब्लैक के ऑपोजिट ह्यूजमैन है एंड क्या लग रहे हैं वो। एनीवेज आज देखनी पड़ेगी दोबारा। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इसमें से मेरी रिकमेंडेशन में से 10-11 में से कोई तो अच्छी लगेगी चीज, एंड अगर लगेगी तो फिर मुझे बताना जरूर। और अगर आपके फेवरेट कोई सीरियल, कोई मूवी, कोई भी सीरीज है वो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दो, बिकॉज ये 7-day चैलेंज ओवर हो जाए ना उसके बाद आई विल ब्रीद फॉर सम टाइम एंड वॉच सम गुड कॉन्टेंट। एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो विद द लास्ट वीडियो। आई कांट बिलीव हम ऑलरेडी एंड में आ चुके हैं। आई विल सी यू टुमारो विद द लास्ट वीडियो ऑफ द 7-day चैलेंज। For someone I can see, take my hand, I see where you wake up tomorrow.